गुण और दोषों से ऊपर उठना है। मनुष्य का शरीर इस काम के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, मनुष्य का शरीर इन दोषों को त्याग करने के लिए प्राप्त हुआ है। दोषों से ऊपर उठना चाहिए, और मनुष्य ही उठ सकता है, बैल बड़द नहीं उठ सकता। ये उपदेश बैल नहीं सुन सकता, पालन भी नहीं कर सकता, समझ भी नहीं सकता। श्रवण की शक्ति परमात्मा ने मनुष्य को प्रदान की है, मनुष्य को उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। दोषो न संधीयताम, आत्मात्मेच्छा, हाँ, अपने स्वरूप का निश्चय यानी चिंतन करना चाहिए। कोहम कथमिदम, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका चिंतन करना चाहिए। और निज गृही तूर्णर तूर्णम विनर गम्यताम, चिंतन करके संसार के प्रति वैराग्य हो जाए, मैंने सारे संसार के भोग भोग लिए लेकिन उन भोगों से मुझे सुख नहीं मिला, तो मन में वैराग्य आ जाना चाहिए। मन में यदि वैराग्य आ जाए तो फिर चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें। सिद्ध करने के लिए बाहर निकल जाते हैं ताकि घर के प्रपंच से, समाज के प्रपंच से, गांव के प्रपंच से हम मुक्त हो जाएं। तो घर को छोड़ दे, गांव को छोड़ दे, भगवान का भजन करने के लिए, तीर्थों की यात्रा के लिए निकल जाए, जहां मन लगे वहां बैठ करके परमात्मा का चिंतन करे, ध्यान करे, यही सरल उपाय हैं।